नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। आज का एपिसोड बड़ा ही खास है। जैसे पिछले 2-3 दिनों से आत्मनिर्भरता की बात बताई गई है, तब से जैसे स्वदेशी का तूफान ही आन पड़ा है और स्वदेशी को पहचानने के लिए आजकल सोशल मीडिया में एक मैसेज बड़ा ही वायरल हो रहा है, 890 जो बारकोड में दिया जाता है वो खरीदे, वो भारतीय है, वो स्वदेशी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और ये बारकोड का पूरा विज्ञान क्या है, वो हम इस विषय में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बारकोड दरअसल किसी भी डेटा को इनक्रिप्ट करके हम बारकोड में स्टोर कर सकते हैं, जिससे उसके स्कैनर के माध्यम से फिर उसको पढ़ा जा सके। तो बारकोड और क्यूआर कोड, ऐसे दो प्रकार के कोड हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया में आजकल बड़ा ही एक मुद्दा अभी पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है कि अब हमें आत्मनिर्भर होना है, स्वदेशी अपनाना है। अच्छी बात है, लेकिन एक सूझबूझ के साथ, एक समझ के साथ। जैसे कि अब स्वदेशी का जो ये तूफान आन पड़ा है, लोग बता रहे हैं, बड़ा ही वायरल मैसेज हो रहा है कि 890 जिस किसी भी प्रोडक्ट पे ये बारकोड नंबर लिखा हुआ है, आगे के 3 डिजिट, वो स्वदेशी है और उसको ही अपनाना चाहिए। तो दरअसल ये बारकोड कैसे काम करता है, ये वास्तव में उसकी सच्चाई क्या है, ये हमें देखना है। सबसे पहला बारकोड 1948 में बनाया गया था GS1 कंपनी के द्वारा, ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 उसे कहते हैं, और उसने सभी देशों को अपने अपने क्रम के हिसाब से एक नंबर, एक सूची प्रदान की है। वह है उस हिसाब से सभी प्रोडक्ट में जो आगे के 3 नंबर रहते हैं वो कंट्री कोड होता है, उसके बाद बीच में जो नंबर रहते हैं 4, वो 4 जो नंबर होते हैं वो कंपनी का कोड होता है, और अंत में जो 4 नंबर रहते हैं वो होता है प्रोडक्ट कोड होता है, कि एक ही कंपनी है तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती होगी तो वो उनके लिए कोड होते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। अब ये 890 जो कोड है वो भारत के कोड है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने के सामान पर ही लगे हुए हो, भारत में जो चीज़ें निर्माण होती है वहाँ पर ये कोड लग जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो स्वदेशी हो, ठीक है। ये वास्तव में 890 का जो मतलब होता है वो सिर्फ भारत में बना हुआ होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी भी भारत की ही हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक कोका कोला कंपनी का किनले जो सोडा होता है, वो ये बोतल मेरे पास है। अब यहाँ पर जो बारकोड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मैं आप जरा नज़दीक ले आ रहा हूँ, शायद ब्लर हो रहा है, मैं इसकी एक पिक्चर ही डाल दूँगा, ठीक है। अब ये जो कंपनी है कोका कोला कंपनी, ये भारतीय नहीं है, फिर भी इसमें जो कोड दिया हुआ है यहाँ पर वो 890 है, तो इसका मतलब क्या ये स्वदेशी हो गया? नहीं ना, 890 के अंधेपन में कुछ भी खरीदना या ना खरीदना, ऐसा त्वरित निर्णय मत ले लीजिए। दरअसल इस वीडियो में मुझे यही कहना था कि 890 लगे हुए कोड की कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो स्वदेशी है, वो बिल्कुल गलत है। स्वदेशी नहीं, भारत में बनी हुई हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका जो पैसा है वो भारत में ही हो, वो कंपनी भी भारतीय ही हो। हाँ, भारत में प्रोडक्शन हुआ है, तो स्वदेशी और 890 ये कोई मेल नहीं बैठता है। देखा मित्रों आपने, बारकोड का और स्वदेशी का जो तालमेल है वो ठीक से बैठा नहीं है। जो अल्पज्ञ है, पता नहीं है, पूरा कोई संशोधन नहीं किया हुआ है, वो सिर्फ 890 और स्वदेशी को लेकर ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन इस अंधाधुंध में मैं कहना यही चाहूँगा कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट है
उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। आगे और हम फिर देखते हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जोड़े जा सकते हैं इसमें। और बारकोड से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, जो बारकोड का पूरा साइंस है, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, उसके जो डिजिट्स है, उसको कैसे क्रैक किया जाता है, उसको कैसे डिकोड किया जा सकता है, उसकी पूरी डिटेल मैं उसमें दूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।